अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल पे चैट जीपीटी कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है आपके लिए जब आप ये यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना है अपने मोबाइल पे, ठीक है। फिर गूगल पे आपने क्लिक कर ये देना है चैट जीपीटी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने लिख दिया है चैट जीपीटी, ठीक है। इसको आपने लिख देना है और सर्च कर देना है, मैंने सर्च कर दिया। अब थोड़ा वेट कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले जो साइट आ चुकी है ये वाली है चैट जीपीटी, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ये लिंक आपके पास मोबाइल पे ओपन हो जाए तो फिर आपने क्या कर देना है, ट्राई चैट जीपीटी, ये आप देख सकते हैं ट्राई चैट जीपीटी, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपने थोड़ा वेट कर देना है ताकि ये साइट लोड हो जाए। इस पे बहुत ज़्यादा रश होता है इसलिए इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट कर देता हूँ ताकि ये साइट फुल लोड हो जाए और मुझे नज़र आए कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं इसमें दो ऑप्शन आ चुके हैं, एक है लॉगिन, एक है साइन अप। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है और इसमें अपना ईमेल और पासवर्ड देना है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है, ये साइन अप है। तो मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं साइन अप पे क्लिक कर दूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसका अकाउंट नहीं है और वो चैट जीपीटी को यूज़ नहीं कर सकता अपने मोबाइल पे। तो इस वीडियो से वो अपने मोबाइल फ़ोन पे चैट जीपीटी यूज़ करना सीख जाएंगे। तो मैं यहाँ साइन अप पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है, और थोड़ा वेट कर देते ताकि ये साइट लोड हो जाए। आपके इंटरनेट पर भी डिपेंड करता है, अगर आपका इंटरनेट तेज़ हो तो ये जल्दी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है, आपने यहाँ अपना ईमेल एड्रेस वो देना है, ठीक है। तो मैं ईमेल एड्रेस देता हूँ, ये मैंने ईमेल एड्रेस इंटर कर दिया यहाँ पे। अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं अब इस कंटिन्यू बटन पे प्रेस करूँगा। अगर आप मोबाइल यूज़ करें तो आपके पास ईमेल अकाउंट खामखा होगा, ठीक है। तो ये मैंने इंटर कर दिया। आप मुझसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। इसको मैं पासवर्ड देता हूँ, ठीक है। मैंने इंटर कर दिया पासवर्ड, पासवर्ड कितना होना चाहिए ये मैंने पासवर्ड दे दिया। आपने पासवर्ड ऐसा देना है ताकि इसमें कैपिटल वर्ड भी मौजूद हो, इसमें हिंट से भी मौजूद हो, इसमें जो हैश या और जैसे सिंबल है वो भी मौजूद हो, और ये एटलीस्ट 8 करेक्टर्स का होना चाहिए। तो मैंने पासवर्ड भी दे दिया। अब मैं कंटिन्यू के बटन पे प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने प्रेस कर दिया, थोड़ा वेट कर देते हैं। अब यह आपके पास ऑप्शन आ चुका है कि आपका जो ईमेल अकाउंट है आपने वो ओपन कर देना है, और उसको एक मैसेज आ चुका होगा, आपने उसको वेरीफाई कर देना है। तो मैं चेक कर देता हूँ मुझे मैसेज आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मुझे ईमेल आ चुका है ओपन एआई से, और वेरीफाई योर ईमेल, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और इसको वेरीफाई कर दूँगा। यह आप देख सकते हैं मैंने ईमेल ओपन कर दिया है, और अब मैं वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, वेरीफाई हो चुका है। अब अगले स्टेप का इंतज़ार करते हैं कि अगले स्टेप में क्या आता है। थोड़ा वेट करें ताकि ये साइट लोड हो जाए। अब यहाँ देखे यहाँ पे आपसे फर्स्ट नेम मांग रहा है, लास्ट नेम मांग रहा है, आपने ये इंटर कर देना है, ठीक है। ये मैंने वो
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर कर दिया। अब यह आपसे बर्थडे मांग रहा है, तो आपने बर्थडे इंटर कर देना है। ठीक है, मैं बर्थडे इंटर कर देता हूँ। बर्थडे भी इंटर हो चुका है और ठीक है, अब मैं कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब यह आपसे मोबाइल फोन वो मांग रहा है, आपने मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास ये कोड है +92 तो आपने मोबाइल नंबर 3 इनसे से शुरू कर देना है। मैंने मोबाइल इंटर कर दिया है। अब जैसे ही सेंड कोड वाई SMS पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे इस मोबाइल फोन पे कोड भेजेगा और वो कोड मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। तो मैं वेट करता हूँ कि मुझे जो कोड है वो मेरे नंबर पे आ गया है कि नहीं, तो मैं चेक कर देता हूँ SMS। तो अभी तक जो है वो SMS नहीं आया। अब देख सकते हैं SMS मुझे आ चुका है और कोड जो है वो 003475 है, 003475 और क्या है 5। तो ये कोड आपने इंटर कर देना है और इसके बाद आपका ChatGPT का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने लॉगिन होना है और ChatGPT यूज कर सकते हैं आप। तो थोड़ा वेट कर देते हैं ताकि सारा प्रोसेस आप देख सकें। तो ये आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएट हो गया और लॉग इन भी हो गया ChatGPT। आपने वो पासवर्ड और ईमेल याद रखना है, अगर ये लॉग आउट हो जाए तो आप ईमेल और पासवर्ड से दोबारा लॉग इन हो सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट और डन पे क्लिक कर देना है तो मेरा ChatGPT वो कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ इसमें ऑप्शन वगैरह जो क्वेश्चन है आपका वो पुट कर सकते हैं और आप इनसे आंसर हासिल कर सकते हैं, अपने काम आसान कर सकते हैं ChatGPT से। जैसा कि ये मैंने इंटर कर दिया है ChatGPT तो ये मुझे आंसर देगा, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया कैसे आप ChatGPT यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे और कैसे अकाउंट इस पर क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे और फिर इसमें लॉग इन हो जाना है और इसको कैसे आपने यूज़ कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।